बनारस, जिसे हम वाराणसी भी कहते हैं, बनारस एक ऐसी जगह है कि लाइफ में एक ना एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए। कहते हैं कि यहाँ पे आने पे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जो रात में जो भोलेनाथ की आरती होती है, अगर आपने वो आरती अटेंड कर ली तो आपके मन की सारी नेगेटिविटी एक साथ ख़त्म हो जाती है गाइस। तो चलिए आपको मैं घाट का व्यू ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि घाट पे एक्चुअली में आरती कैसी होती है। तो ये रहा घाट का व्यू, हमने शाम में विज़िट किया था, देख सकते हो काफ़ी क्राउड होता है। ये हमारे भोलेनाथ जी, और ये पूरा क्राउड आपको मैं चारों ओर से दिखाना चाहूँगा गाइस। ये देखिए क्राउड होता है, यहाँ की जो आरती है वो काफ़ी बेहतरीन होती है, काफ़ी श्रद्धा से होती है। और चलिए अब मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा टाइम, आरती की ओर ले चलता हूँ। ये देखिए आरती शुरू हो चुकी है, ये काफ़ी बड़ी आरती होती है, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि ये आरती हम आपको ये जो वीडियो के माध्यम से काफ़ी शॉर्ट में दिखाए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी आरती होती है, मतलब आपको ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटा भी लग सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम 1 मिनट ये आरती ध्यान से सुनेंगे। आप देख सकते हैं ये आरती जो हो रही है, ये चारों ओर से भोलेनाथ को प्रे किया जा रहा है गाइस। और आप देख सकते हो कि कितनी श्रद्धा से आरती की जा रही है, और जो लोग बैठे हैं वो भी अपना योगदान दे रहे हैं, ताली बजा के भोलेनाथ का नाम लेके, भोलेनाथ के मंत्र लेके, मंत्रों का जाप करते हुए, क्षमा कीजिए, मंत्रों का जाप करते हुए आप देख सकते हो। और ये जो रात का नज़ारा होता है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बनारस का ये रात का जो भोलेनाथ की आरती का नज़ारा है काफ़ी बेहतरीन है गाइस। मेरा तो दिल एकदम खुश हो गया गाइस। आप देख सकते हो जैसे ही ये आरती ख़त्म हो जाती है, पंडित जी अपना फाइनल प्रे जो होता है वो करके चारों ओर से भोलेनाथ जी से प्रे करके हाथ जोड़ के उनसे फाइनल आरती करते हैं। और जैसे ही आरती ख़त्म हो जाता है, लोगों का जो क्राउड होता है वो काफ़ी, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है गाइस। देख सकते हो जब ये आखिरी प्रे हो जाता है तो जब लोग हाथ ऊपर करके कहते हैं हर हर महादेव, तो गाइस अगर आप चाहो तो कमेंट में हर हर महादेव भी लिख सकते हो गाइस। सो जैसे ही आरती ख़त्म हो जाता है सब लोग उठते हैं, अपने दर्शन करते हैं, और आप देख सकते हो ये फाइनल जो क्राउड दर्शन के लिए आता है, आप देख सकते हो पहले कितनी कम पब्लिक थी और अभी कितनी ज़्यादा पब्लिक हो गई है गाइस। देख सकते हो रात में घाट का नज़ारा काफ़ी बेहतरीन है। और जैसे ही मैंने ये आरती ख़त्म की, मेरा मन प्रसिद्ध हो गया, भोलेनाथ के प्रति प्यार और बढ़ गया। होप करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ हमने फ्लाइट पकड़ी, बैक टू मुंबई आए गाइस। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, अगर आप भोलेनाथ के भक्त हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।